It's like 251. Hey, bhai, rukna, rukna, idhar na. तो भाई ये है सेकंड पार्ट मेरी रीसेंट वीडियो का, और मुझे पता है बहुत लोगों ने लास्ट पार्ट नहीं देखा होगा, तो और कुछ लोग ने देखा होगा तो वो भूल भी चुके होंगे क्योंकि मैं वीडियोस इतनी लेट डालता हूँ। तो उसकी भी हमने सुविधा करी है, हमने रिकैप दिया है। तो सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त निकले घर से स्वैग और कपड़े पहनकर विद द लॉलीपॉप इन द माउथ, और चारोटी पर टोल ना देकर हमने दिखाया आईडी कार्ड। फिर आगे पहुंचकर चाय की टपरी पर हमने पी बड़ी सही चाय, उसके आगे जाकर अपने फॉग में फोटोज खिंचवाने का और तांसा जंगल के पाइप पर चढ़ के देखने का शौक पूरा करके हम निकले पैरामाउंट होटल। अब पैरामाउंट होटल पे हमने किया बड़ा ही सही ब्रेकफास्ट, फिर हुई हमारी ब्रीफिंग एंड देन ऑल द नेक्स्ट वंस रोल्ड आउट। अब देखो पैरामाउंट होटल से इगतपुरी का डिस्टेंस है अराउंड 55 किलोमीटर, तो ये 55 किलोमीटर हमें करने के लिए लगने थे ऑलमोस्ट 1 to 1.5 hours। तो ये 1 से 1.5 घंटे में मुझे लेने थे सारे रोलिंग फोटोज और वीडियोस, और तुम्हारा भाई कैमरा लेके गया रोलिंग वीडियोस ले रहा है, तो FPS ड्रॉप नहीं करेगा क्या? Let's roll baby। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all, now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 86 all the hay, I won't get a ball today. Count wins when they got it. On record, I let them take advantage. I was wildin'. On record deals. Tell them talking college for the quote. On record, I still got the ass, not the coach. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record. सो इट्स लाइक 11:58 और अभी हम लोग होटल पे पहुँचे, अभी लंच है हमारा, और आप नज़ारा देखिए, दूर दूर तक सिर्फ नेक्सॉन और नेक्सॉन ही दिखेगी। तो अभी मैं कैमरा ट्विस्ट करता हूँ, आप ज़रा नज़ारा चेक करें। हालत हो गई है पूरी ख़राब, क्योंकि मैं लटक लटक के ले रहा था सिनेमेटिक शॉट्स, ऑलमोस्ट पूरे कॉन्वे के 2-3 बार शॉट्स लिए, 2-3 बार फोटोज़ लिए। अब आगे आके बैठा हूँ मैं, बहुत बड़ा कॉन्वे है, आप चेक करें, बहुत मेहनत लगी है भाई, पूरा मुंह धूल मिट्टी हो गया, और मुंह के अंदर तो छोड़ो सर और सब जगह पे धूल मिट्टी घुस चुकी है, पर लेकिन वर्थ था। शॉट्स भी बहुत सेक्सी है, फोटोज भी बहुत सेक्सी है। एक्चुअली ये 2-lane highway था, इसके लिए मेरे को शॉट्स मिल गए, वरना ज़रा भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 50 गाड़ियों का ट्रैफिक, ऊपर से नॉर्मल ट्रैफिक, और हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा था, उसके वजह से सब फोटो वीडियो सब बहुत अच्छे है। तो अपना पूरा हाल करके मैं पहुंचा इगतपुरी, और इगतपुरी में हमने किया बड़ा ही लजीज लंच, जो कि था होटल ब्लिस में, शहर से दूर इन वादियों के सुकून में। और लंच के बाद टाटा मोटर्स ने किया एक बड़ा ही सही सेशन, जहाँ पर टाटा के सारे ओनर्स ने अपना Q&A सॉल्व किया। उसके बाद टाटा मोटर्स ने ग्रुप के कुछ लीडर्स को और हमें, यानी मुझे और हितार्थ को, दिया गिफ्ट हैम्पर्स। देखो वो शॉर्ट चीज हो रहा है, हंसते हुए समझती हो रहा है। उसके बाद
अब हम बाहर के ग्रुप मेंबर्स को बाय बोलकर निकल गए क्योंकि देवलाली के लिए निकलना था। और इगतपुर से देवलाली भी है कुछ 50 से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस। देवलाली एंटर करने से पहले हवाएं ठंडी हो चुकी थी, ग्रीनरी बढ़ गई थी। देखो देवलाली इज अ स्मॉल हिल स्टेशन जो कि नासिक से करीब 17 किलोमीटर दूर है, तो उसका खूबसूरत होना तो लाजमी था। ये तो अपनी जगह पर ठीक है, बट लेकिन बॉयज के साथ एंजॉय करने में और मैं उन वादियों में इतना खो गया कि मैं व्लॉग करना भूल गया, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। अब जिस दिन मैं और हितार देवलाली पहुंचे थे उस दिन हमने कुछ भी नहीं किया, बस बैठकर बातें करी। बॉयज लेट तक बैठे थे, मैं जल्दी सो गया क्योंकि जल्दी उठा। तो भाई सुबह के 9:27 हो रहे, 8 बजे करीब उठ गया था मैं, सारे बॉयज सोए अभी भी। मैं सोचा थोड़ा सा व्लॉग कर लूँ, दिन की शुरुआत हो गई है। अभी देवलाली में सारे बॉयज़ के साथ, अर्जुन भी उठ गया, बाकी सब सोए हुए। फिर रात को सारे लेट सोए थे, मैं परसों जल्दी उठा था तो मेरे को 10-11 बजे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गया था। अभी आज कुछ प्लान है कोई डैम वगैरह यहाँ पे घूमने जाने का, और अर्जुन और सिद्धार्थ आज रात को ही निकल रहे, उनको कुछ अर्जेंट काम है। हम सारे, मैं, हितार्थ, अभिषेक, राहुल और आवेश, हम लोग सब कल निकलने वाले, आज स्टे करेंगे यहाँ पे। जहाँ पे हम लोग रुके वहाँ पे पूरा आर्मी एरिया है, सारे बॉयज उठेंगे फिर देखते हैं कहाँ जाना है। एक तो अभी 9:30 हुआ है, और ये नाश्ता वाश्ता का क्या सीन है? बारिश आ रही है ना? हाँ बारिश आ रही है। अब हम लड़के जब भी घर से निकलते हैं तो हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, कब उठेंगे, कब कहाँ जाएंगे, कब खाएंगे, कब सोएंगे। तो वेरी नेक्स्ट डे हम करीब 12 बजे घर से बाहर निकले फ्रेश होकर। तो भाई इट्स लाइक 12:39 और अभी सारे बॉयज निकले। हितार्थ की गाड़ी में नाइट्रोजन टॉप अप करना था, वो किया है। सिद्धार्थ और बाकी बॉयज वो गाड़ी में और हम लोग ये गाड़ी में। तो अभी शायद भंडारदरा है कहीं पे जा रहे सारे, फिर देखते रास्ते में कुछ मिला तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मज़ा अभी आने वाला है क्योंकि सारे बॉयज साथ में हैं। देखते कहाँ पे जा रहे क्योंकि हम लोग को भी आइडिया नहीं, सीधा जहाँ पे लेके आएगा वहाँ पे जा रहे, वो गाड़ी जा रही उसके पीछे पीछे हम लोग फॉलो अप करने वाले। अबे पहले बता दो आप जहाँ किधर है, खाली फॉलो करते जा रहे हैं। भंडारा नहीं, भंडारदरा, डिवाइन भाई का सॉन्ग नहीं चल रहा है ये, सिद्धू भी ना। अब क्योंकि हम सब ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वी डिसाइडेड टू विल डू अ ब्रंच। अब मैंने बड़ी सारी स्टॉल्स का खाना खाया है, होटल्स का खाना खाया है, स्ट्रीट फूड ट्राई करा है, बट गजीबो जैसा घटिया होटल मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। हम आधे खाने से उठे वहां पर। सर्विस और वागा खाना इतना घटिया था, एंड फर्स्ट थिंग वी डिड कि हमने गूगल पर रिव्यू डाला दैट दिस इज द वर्स्ट होटल वी हैव एक्सपीरियंस्ड। अब क्योंकि मूड खराब हो चुका था खाने से तो हम निकले भंडारदरा के लिए। हमने सोचा सीधा भंडारदरा पहुंचेंगे फिर हम खाने का सोचेंगे।
दूसरे की इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरे की इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कोई रहता है आसमान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे तो भाई इट्स लाइक 257 और अभी हम लोग भंडार दारा जा रहे और सारे बॉयज है साथ में। क्या हुआ उल्टा करना पीछे से क्या और बोलना बोलना। तो इट्स लाइक 258 और अभी हम लोग सारे बॉयज जा रहे हैं भंडार दारा। बारिश आ रही है, व्यू बड़ा सेक्सी है यहाँ का और हाँ व्यू चेक। अब भंडार दारा कैंप साइट के बगल में है एक वड़ा पाव का स्टॉल एंड आई टेल यू कि इससे अच्छा वड़ा पाव मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया, क्योंकि एक तो वो ठंड वहाँ की साथ में चाय और धीमी धीमी बारिश और साथ में गर्मा गर्म वड़ा पाव, अब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या? ए, क्या हुआ भाई? अरे भाई अबे चाय कैसी है? में क्या उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको। अब हम भंडार दारा कैंप साइट पर थे, बारिश भी थी ठंड भी थी, ये मुझे अभिषेक राहुल और आवेश को पता था कि बारिश में भीगने के बाद ठंड जरूर लगेगी, बट एज इरफान भाई सेड ठंड इज टेम्पररी स्वैग इज परमानेंट। तो हमने वही ठंड और बारिश में एक्सप्लोर करा, फोटोज खींचे, बाकी सब वही स्टॉल पर बैठे थे और वो सब खत्म करने के बाद हम निकले फिर से देवलाली के लिए। अभी इन लोग कहाँ गए? अर्जुन वगैरह निकल तो नहीं गए ना भाई? हम लोग अर्जुन वगैरह किधर है? अबेस बहुत गंदा लग रही है। इधर फॉग में उधर ठंडा पड़ गया था। अरे क्योंकि हमारे ग्रुप के एक कपल रिटर्न हो रहे थे सिद्धार्थ और अर्जुन, तो उनको हमने विदाई दी। तो अब सिद्धार्थ और अर्जुन दोनों निकल रहे। ये क्या कर रहा है बे? बाय 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 कर रहा था तेरे। फिर डिनर के लिए हमने एक्सप्लोर करा स्ट्रीट फूड, क्योंकि गजीबो के साथ इतना घटिया एक्सपीरियंस था तो वी डिडंट एंटर एनी होटल। और सच बताओ तो वो स्ट्रीट फूड का खाना वाज 100 टाइम बेटर देन गजीबो का खाना। ऑन द
था लास्ट डे हम लोग रिटर्न में डानो के लिए। अब सिर्फ देवलाली से निकल कर डानो पहुंचना ही था तो लड़के फिर से लेट उठे क्योंकि लेट सोए थे और हमें निकलते ही दो के करीब हो चुका था और फिर से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो रास्ते में हमने ब्रंच करा। और जो देवलाली से जवाहर तक का रास्ता है क्या ग्रीनरी है भाई इस रास्ते पे, और ऐसी वादियां कि मैं इन वादियों में ऐसा खोया कि मैं ब्लॉक करना फिर से भूल गया। पड़ता है त्रिंबकेश्वर टेंपल तो बॉयज को विजिट करना था और ब्लेसिंग्स लेनी थी वहाँ की तो त्रिंबकेश्वर टेंपल हमने विजिट करा रहा था। अरे नहीं लगाने का भाई कुत्ता मत सुनो भाई चाय कैसा फिर हम पहुंचे जवार। जवार से डानू का जो रास्ता है भाई इसमें खड्डे रास्तों पर नहीं है, रास्ता ही पूरा खड्डों में, तो लेट हमें हो गया रात को पहुंचते पहुंचते। भाई सांस नहीं आएगी तेरे को, मर जाएगा तू अस्थमा अस्थमा। तो ये थी हमारी अनप्लैंड ट्रिप की कहानी। किया करो यार ऐसे रोड ट्रिप अपने दोस्तों के साथ, ये व्हाट्सएप ग्रुप की प्लानिंग से निकलो और जाओ यार, क्योंकि ये अनप्लैंड ट्रिप्स कभी कभार इतनी बेहतरीन होती है कि ये अपने गुड मेमोरीज में बस जाती है। वैसे माइक है नहीं मेरे पास बट इस बात पर माइक ड्रॉप हो जाता है। टिल देन पीस आउट। उम्र गुजरेगी।